वेलकम बैक। मुंबई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम के कार्यक्रम में शिवसेना के लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्यक्रम में जमकर पत्थरबाजी हुई, हंगामे में कई लोगों को चोट भी आई। बताया जा रहा है कि संजय निरुपम बीएमसी का पोलखोल कार्यक्रम कर रहे थे, जिस बात को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और पत्थर फेंकने लगे, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर छिपने लगे। पुलिस ने शिवसेना समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। संजय निरुपम ने कहा कि बौखलाहट में हमला कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे डरेंगे नहीं। पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गांधीवली ईस्ट में हमारे नगर सेवक श्री रामाशीष गुप्ता जी के यहाँ बीएमसी की पोल खोल सभा थी, जिसपे शिवसेना के लोग पत्थरबाजी करने आए थे। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि ये लोकतंत्र है, आपके गुंडागर्दी और दादागिरी से हम झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं हैं। आपने भ्रष्टाचार किया है और इस भ्रष्टाचार के ऊपर हम बोलेंगे। सर्वात पहले एक गोष्ट सांगू इच्छितो की आज काँग्रेस तर्फे मुंबई पोलखोल म्हणून त्यांनी जाहीर सभा घेतली। और इस पूरे मामले पर शिवसेना समर्थकों का क्या कहना, आइए सुन लेते हैं। संजय निरुपम प्रत्येक ठिकाणी जाणार आणि सभा घेणार हे आम्हाला माहीत होतं, आणि त्यामध्ये जाणून बुजून कुठेतरी उद्धवजींचा उल्लेख करणार ही बातमी आमच्यापर्यंत पोहोचली होती। उद्धवजींनी आतापर्यंत कुठलीही निवडणूक लढवलेली नाही, कुठल्याही निवडणुकीत उभे राहिलेले नाहीत,